आईकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स जो है वो हमारे पास किताब है और चैप्टर नंबर 10 हमने स्टार्ट किया है और उसकी मशक का पहला सवाल आज हम करने लगे हैं। इस सवाल को करने के लिए वो कहते हैं स्टेट द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर कहते हैं मर्तबा, क्या कहते हैं? मर्तबा कहते हैं। जब भी जो भी हमारे पास कॉलम आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है, उसमें दो चीजें होती हैं। जिस तरह हमारी लाइन लगी होती है, लाइनों को कहते हैं रोज, ये क्या कहते हैं? रो, क्या कहते हैं? और इसको जाहिर करते हैं एम से, इसको क्या जाहिर करते हैं? एम से। और जो नीचे की तरफ कॉलम बने होते हैं उसको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है जी, और इसको एन से जाहिर करते हैं। तो मर्तबा आपके कॉलम का जो है आप लिखेंगे जी ए ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा? वो फार्मूला होता है एम जरबे एन, एम जरबे एन। तो यहां पे देखिए जी एम कितना है हमारे पास? दो है, और एन कितना है? तीन है। तो हमारे पास क्या हो गया? दो जरबे तीन उसका मर्तबा। सेम इसी तरह हमारे पास ऑर्डर ऑफ ऑफ बी इज इक्वल टू किसके होगा? एम जरबे एन, और एम हमारे पास कितना है? एक दो तीन, और एन कितने हैं? एक दो तीन। तो जिसका कॉलम कतारों के बराबर होते हैं उनको स्केयर कॉलम कहते हैं, ठीक है जी, मतलब बी। अब जी सी पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे जी ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू कितनी कतारें हैं? एम जरबे एन। तो ये देखिए वन टू थ्री और कॉलम वन टू थ्री फोर, ओके। अब यहां पे ऑर्डर ऑफ डी जो है वो इसी तरह आएगा कि ऑर्डर ऑफ डी इज इक्वल टू एम जरबे एन, एक दो तीन चार, एन एक दो तीन, लो जी क्लियर है जी बात। तो ये हमारे पास आज पहला चैप्टर इसका जो दूसरा सवाल है, दूसरा और तीसरा सवाल बिल्कुल सेम इसी तरह है। उसने कहा है जी जनरल मैट्रिक्स बनाएं जिसका मर्तबा जो है, ऑर्डर जो है वो टू क्रॉस टू है। अब इसमें कितनी लाइनें हैं? ये एम है, ये एन है, ये भी एम है, ये भी एन है, क्लियर है। अब इसका मतलब इसमें कतारें कितनी है? दो। पहले में देखते हैं, मैं करता हूं लेट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास दो जरबे दो वाला, क्या? दो जरबे टू बाई टू कहते हैं इसको, टू बाई टू। अब तो हमारे पास देन क्या होगा? इसको डिस्क्रिप्शन का उसका मतलब ये है कि आपने पता क्या करना है, एक दो, एक लाइन ये लगी, एक ये लगी। अब देखो दो लाइने दो कॉलम, ठीक है जी। अब जी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है, लेकिन उसने कहा कि यहां पे डबल सब्सट्रैक्शन होने चाहिए। डबल का मतलब ये है कि पहली कतार दूसरी कतार, दूसरी कतार, अच्छा पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरी कॉलम। सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने पहले लिखा था, तो ये देखिए जी पहली कतार का पहला कॉलम, सही है जी, पहली कतार का दूसरा कॉलम, दूसरी कतार का पहला कॉलम, दूसरी कतार का दूसरा कॉलम। अब जी हम तीसरा करते हैं, ये हो गया जी 10.2 हो गया। अब ये 10.3 भी इसी तरह करते हैं, हम उसको लेट कर लेते हैं कि बी जो है वो मेरे पास है 4x4 का एक मैट्रिक्स। अब वही करेंगे तो बी हमारे पास हो जाएगा किस तरह, कितने करेंगे? एक दो तीन चार, चार कॉलम, एक दो तीन चार, चार ही हमारी कतार। तो ये लिख रहे हैं वन, ठीक है जी, होगी जी, लो जी ये देखें जी हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स बन गया है जो कि जिसमें चार कॉलम है, चार ही कतारे, चार कतारें चार कॉलम। अब हमने उसकी डबल सब्सट्रैक्शन लिखनी है, कौन कौन से, देखो ये कौन सी रो है? एक, तो ये रो एक लिख दिया सारों पे,
ये कौन सी है? दो। ये कौन सी है? ये चार। अब देखो रो हमने लिख ली सारी, अब कॉलम में आता, ये कौन सा कॉलम है? ये दो से, ये तीन से, और ये ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स। दसवीं प्रश्न का चौथा सवाल जो है वो हमारे पास है कि अगर कहता है हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं और आपने फाइंड करना है इस तरह, तो देखो जी पहला उसका जो है वो कहता है ए प्लस बी, मैं लिखता हूं ए प्लस बी। अब देखो जी ए की वैल्यू क्या है, बोले एक चार तीन दो दो पांच, जमा बी की वैल्यू क्या है छ पांच दो छ एक एक, बस मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ वैल्यू किया। अब मैं करूंगा कुछ, जब हमारे मैट्रिक्स जो आपस में जमा हो रहे होते हैं तफरीक हो रहे होते हैं तो क्या होता है, पहली रो का पहला बंदा दूसरे के साथ जमा होता है, जमा तफरीक होता है, इसने इसके साथ होना है सिमिलर, यानी कि इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ होना है और इसने इसका, यानी कि जिधर जिधर है उसी के अगले बराबर वाले बंदे के साथ होना है, तो सिमिलरली नीचे वाले भी ऐसे होंगे। तो अब देखो जी क्या करेंगे, इसका मतलब दोनों को इकट्ठा करने के लिए इसको इसके साथ एक जमा छ, फिर चार जमा पांच, दो बस सही है। अब जी तीन जमा दो, अब जी दो जमा छ, यहां पे दो जमा एक, पांच जमा एक, तो ये हमारे पास आ गया जी सात नौ पांच आठ तीन छह, दो जी आपका जवाब आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है ए जमा बी हमारे पास है। अब आते हैं इसमें, अब बी जमा ए उल्ट है, देखिए जी बी जमा ए, तो पहले किसकी बार लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे बी को, छ पांच दो छ एक एक और जमा फिर ए को एक चार तीन दो दो पांच। अब देखो जी छ जमा सात, छ जमा एक सात, अब मैं वैसे लिख दूं, अच्छा पांच जमा चार नौ, दो जमा तीन पांच, छ जमा दो आठ, एक जमा दो तीन, तीन एक जमा पांच छ। तो देखिए जी एज सच सेम वही चीज आ रही है, इसका मतलब है अगर हमारे कॉलम आपस में जमा हो रहे हैं उनकी तरतीब बदल जाए तो कोई मसला नहीं होता। आगे आते अब कहता है जी ए माइनस बी कराएं, करें जी ए माइनस बी का मतलब पहले हम ए लिखेंगे एक चार तीन दो दो पांच, माइनस बी की तरह जी छ पांच दो छ एक और एक, सही है जी। सेम इसी तरह जिस तरह हमने ये जमा किया था इसी तरह के पहले को पहले वाले से करें बराबर वाला, एक मनफी छ ऐसी है, चार मनफी पांच, तीन माइनस टू, दो माइनस सिक्स, दो माइनस एक, पांच माइनस एक, तो ये हमारे पास जवाब आ गया कि कितना, एक माइनस का पांच जमा का एक और माइनस का छ, अलामतें डिफरेंट है डायरेक्ट तफरीक, तो पांच हो गया अलामत बड़ी रकम की, तो माइनस का पांच, इसमें माइनस का एक ऐसी है, इसमें वन जमा का, इसमें माइनस का चार, इसमें वन इसमें चार, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया ए माइनस बी, अब देखते हैं वो भी ऐसे ही आता है कि नहीं, इसमें क्या करेंगे b माइनस ए, b पहले लिखेंगे, b क्या हमारे पास छ पांच दो छ एक एक, माइनस a कितना है जी एक चार तीन दो दो पांच, ठीक है जी दो पांच। अब जी करें जी इसको छ में से एक निकाला जमा का पांच, सही है जी, पांच में से चार निकाले जमा का एक, दो में से तीन निकाले माइनस का एक, ठीक है माइनस के तीन,
और छह में से दो निकाले जमा का चार, एक में से दो निकाला माइनस का वन, और एक में से पांच निकाला माइनस का चार। अब देखो वो तो चीज नहीं है, सही है, लेकिन एक बात वो थोड़ी गौर करें, अगर इसमें से माइनस को ले ले आप कॉमन, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये देखिए जी माइनस ले लेता हूं कॉमन, तो देखो जी ये वाला प्लस का था, ये हो गया माइनस का, ये वाला माइनस का ऐसी है, और ये वाला हो गया प्लस का, उल्टो जानी ना सारी, ये वाला जाना माइनस का, ये वाला जाना प्लस का, और ये वाला भी प्लस का, तो अब बन गया वो चीज। इसका मतलब है कि अगर a माइनस बी करें, दो एक कॉलम हो उसको ऐसे करें तो बराबर होता है माइनस बी माइनस ए, यानी कि उसमें से माइनस का अंक ले तो दोबारा बराबर आता है, मतलब कि हमारे कॉलम की तरतीब बदलने से उसकी सिमत बदल जाती है। ओके क्लियर है जी। 10.5 अब जो है दसवीं मशक का पांचवा सवाल, देखिए जी हमारे पास उसने दिए हैं दो, पहले हमने चौथे में एक सिंपल सी बात की, सिंपल सा जमा किया, हम आस्ता आस्ता कंप्लेक्स की तरफ आ रहे हैं, मुश्किल की तरफ आ रहे हैं। तो यहां पे उसने कहा जी दो हमारे पास मैट्रिक्स हैं और दोनों को आपने जमा करना है और मनफी भी करना। सबसे पहले जमा करने के लिए इसमें आप ए जमा बी जो है लिखते हैं। अब देखिए जी ए जमा बी, ए लिखे जी, ए क्या है जी ए, ए जमा बी ठीक है जी, और बी माइनस सी ए जमा सी बी प्लस सी, और प्लस बी जो है हमारे पास माइनस ए जमा बी माइनस बी सी बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। ओके जी ये है जी। अब क्या करना है, वही तरीकाकार कि आपने एक बड़ा मैट्रिक्स बनाना है, अब आपने जो बराबर वाले हैं जो मुकाबले के हैं उनको जमा करना है, जमा है ना दरमियान में। देखो जी अब यहां पे थोड़ा पचीता है तो मैं इसको ब्रैकेटों में लिखूंगा ए, फिर जमा वो वाली, फिर जमा ये सारा माइनस ए प्लस बी। ओके फिर आप इसको ब्रैकेट शुरू ए जमा बी, फिर ये वाला जमा, फिर वो वाला माइनस बी, सही है जी। अब इसको इसके साथ लिखते हैं तो बी माइनस सी जमा सी, इसको अब इसके साथ लिखते हैं तो माइनस सी जमा बी जमा सी, अब इसको इसके साथ लिखते हैं तो ए जमा सी और जमा का माइनस सी, फिर इसको इसके साथ लिखते हैं बी जमा सी इंटू जमा माइनस सी। ओके जी क्लियर है। अब आप ब्रैकेट खोल दें, क्यों ब्रैकेट खोलनी है, क्योंकि ये जमा नफी हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई थी कि ये जो जमा नफी है ये इसका मनफी है, अगर करना हमने जमा है तो आप दोनों को सरब करके लिखेंगे जो भी जवाब आया, ठीक है। यहां में लिख लीजिए हमारे पास आ गया ए जमा 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 मनफी मनफी, फिर जमा 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 बी, जमा ने पहले इसके साथ जमा खाना है, जब माइनस के साथ तो माइनस आ गया, जब इसके साथ खाएगा तो फिर जमा आ जाएगा, ठीक है। एक जैसी लाम दे जब जमा होती है तो जमा बन जाती है, जरब होती है, एक जैसी लाम दे जब जरब होती है तो जमा बन जाती है, डिफरेंट होती है तो तफरी बन जाती है, सही है जी। तो यहां पे आ गए, इसको देखें ए जमा बी जमा मनफी बी, ओके यहां पे बी माइनस सी जमा 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 सी माइनस सी जमा जमा का बी जमा 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 का सी, ए जमा सी जमा मनफी मनफी सी, और बी जमा सी जमा नफी नफी का सी। ओके तो अब क्या होगा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, अलामते डिफरेंट है, ठीक है, तो ये इसके साथ कट गया, सी सी के साथ कट गया, तो ये देखें। ओके तो ये हमारे पास क्या रह गया जी, एंड पे हमारे पास सॉल्यूशन जो मैट्रिक्स रह गया वो ये है कि क्या है जी, इधर बच गया जमा का बी
इधर बच गया जमा का ए, इधर बच गया बी जमा का, इधर बच गया बी जमा का, इधर बच गया ए और इधर बच गया बी। दोष ये हमारे पास आ गया ए जमा बी का। अब ए की वैल्यू क्या है जी, ए की वैल्यू है ए जमा बी माइनस सी माइनस सी, ए जमा सी बी जमा सी और उसके दरम्यान में माइनस और फिर बी लिखेंगे, माइनस ए जमा बी माइनस बी, सही है जी, और सी बी जमा सी माइनस ए और माइनस सी। अब जी वही तरीका था, वही तरीका जो है हमारा स्टार्ट हो गया कि क्या करेंगे हम, यहां पे हम एक बड़ा मैट्रिक्स जो है वो बनाएंगे, बना लिए। अब पहले को पहले में से देखेंगे, ए ब्रैकेट लगा लें क्योंकि आगे माइनस है, माइनस ने आमते चेंज कर लिए, तो ब्रैकेट माइनस ये वाला और फिर ब्रैकेट में अगली रखो, ओके। अब यहां देखेंगे ए जमा बी ब्रैकेट में माइनस और साथ में ये माइनस बी, इधर देखिए नहीं बी माइनस और ये माइनस सी हो गया, उसके बाद ये वाला माइनस सी माइनस बी प्लस सी, ओके। अब देखिए ए प्लस सी और फिर ये वाला माइनस साथ में माइनस ए और बी प्लस सी माइनस और माइनस सी, ठीक है जी, काम हो गया हमारा खत्म। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाई थी कि ये जो माइनस है ये सारों का है, अकेला माइनस ए का नहीं है, वो जमा बी का भी है, तो ये सारों का जरा नहीं खाएगा, तो करेंगे ए माइनस माइनस जमा का ए और माइनस प्लस माइनस, ओके। यहां पे ए जमा बी माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है जी, यहां पे b माइनस सी माइनस जमा माइनस सी, यहां पे माइनस सी माइनस जमा माइनस बी और माइनस जमा माइनस सी, ठीक है जी। यहां पे देखें जी a जमा सी माइनस माइनस प्लस a, अगर b प्लस सी माइनस माइनस प्लस सी, तो इसको अब करेंगे जी हल, तो क्या होगा ए जमा ए दो ए, एक ए जमा एक ए दो ए हो गए, तो ये आ गया जी टू ए माइनस बी वैसे का वैसे। यहां पे ए जमा एक बी टू बी एक ही, बी माइनस देखें जी बी माइनस माइनस नाम दे कैसे होती है, तो क्या होते हैं जमा, तो दो एक सी और एक सी दो सी और लामत माइनस की, ठीक है जी। उसके बाद माइनस बी और माइनस बी माइनस टू सी माइनस बी, यहां पे ए जमा ए दो ए जमा सी, बी जमा सी दो सी, लो जी।